देखिए एसटीएफ के द्वारा, स्थानीय जो एसटीएफ यूनिट है मेरठ में, उनके द्वारा तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनके द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पे ये लोग सेना में जो भर्तियाँ होती हैं उसमें फर्जीवाड़ा और धांधली करते हैं, लोगों से पैसे वसूलते हैं और उनको भर्ती कराने का ठेका लेते हैं। उस ठेके में मेडिकल पास कराने से लेकर के बाकी और भी प्रोसेस में भी हेल्प करने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसमें कुछ लोगों से लेन देन भी हुआ है, लगभग 3-4 लाख रुपए लेकर के किसी को सेना में भर्ती कराने का ठेका लिया गया था, उसी को इधर इंटरसेप्ट किया गया है एसटीएफ के द्वारा। यहाँ पे हमारे यहाँ इसकी जांच चल रही है और बाकी अभी इनके खिलाफ जो भी है साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कोई सेना का रिटायर्ड अधिकारी तो नहीं है इन तीनों में कोई? नहीं, ये जो तीनों हैं ये तीनों यहाँ के रहने वाले हैं, इसमें से कोई अभी सेना का रिटायर्ड अधिकारी नहीं है, लेकिन इनसे अभी पूछताछ जारी है। जो बेसिक साक्ष्य, जो प्राइमरी हम लोगों के पास जो उपलब्ध हैं उसके आधार पर भी कार्रवाई हो रही है। इनसे पूछताछ के बाद अगर कोई दूसरा भी इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई।